अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। तो गाइज ये आज की वीडियो वो बहुत खास होने वाली है, इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 प्रोटीन फूड्स जो आप इजीली आपके घर पे अवेलेबल होंगे और अगर नहीं तो आप इजीली बाय कर सकते हैं वेरी रीजनेबल प्राइस में एंड विथ वेरी हाई प्रोटीन। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें डेली बेसिस पे कितनी प्रोटीन इंटेक करनी चाहिए। तो जो एक अगर बंदा है उसको फिट रहना है और हेल्दी रहना है और नॉर्मली तौर पे अगर उससे यानी जितना प्रोटीन इंटेक करना है उतना करना है, तो नॉर्मल जो आदमी अगर प्रोटीन इंटेक करेगा तो वो है 50 to 56 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे हमें कंज्यूम करना है, ये रिकमेंडेशन है। तो अगर आप 50 to 56 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अगर आप पर डे कंज्यूम करते हैं तो आप की जो बॉडी है उसमें एनर्जी रहेगी, आपकी बॉडी यानी फिट रहेगी, हेल्दी रहेगी। और प्रोटीन के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस जो वीडियो थी हेयर के बारे में मैंने बताए थे, हेयर टिप्स बताए थे, तो उसमें भी मैंने यानी प्रोटीन का जिक्र किया था कि प्रोटीन हमारे हेयर्स के लिए कितना ज़रूरी है, इसलिए हमारे जो हेयर्स हैं वो बने ही प्रोटीन से हैं। तो यानी जब आप प्रोटीन कंज्यूम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमारे डेली यानी इनटेक है, तो क्या होगा उससे आपके जो हेयर है वो ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी, ज़्यादा ग्लो करने लगेगी, आपकी जो सारी बॉडी है उसमें यानी आप एनर्जी फील करेंगे, आप बेटर फील करेंगे, आप यानी सारा दिन जो है आप फिट फील करेंगे अपने आप को। तो गाइज अब जानते हैं कि वो 5 प्रोटीन फूड्स कौन से हैं जो आप घर पर भी अवेलेबल हैं और आप ईजीली कंज्यूम कर सकते हैं। सो गाइज हमारा फर्स्ट प्रोटीन फूड इज एग्स। एग्स इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन बिकॉज एग्स में तकरीबन 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है, तकरीबन जो वाइट एग होता है उसमें 5 ग्राम प्रोटीन्स होता है और जो योक होती है येलो कलर की उसमें तकरीबन 1 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। आप पे है कि आप सिर्फ वाइट सी खाएं या उसके साथ योग भी खाएं, इसलिए योग में असल में बहुत सारे लोग योग नहीं खाते, सिर्फ वाइट एग्स खाते हैं, इसलिए कि जो योग होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और कोलेस्ट्रॉल आपको पता है हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के लिए। सो गाइस हमारा सेकेंड फूड इज बनाना। बनाना इज ऑल्सो ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन और वाइस क्योंकि बनाना एक फ्रूट है और बनाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए उसमें बनाना में क्या होता है कि बहुत हाई प्रोटीन होती है और उसके साथ वाइटामिन भी बहुत होते हैं, जैसे कि विटामिन के हो गया, जिंक, कॉपर, ये भी होते हैं बनाना में। तो बनाना बहुत यानी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और आप आराम से इसको कंज्यूम कर सकते हैं और कोशिश किया करें वो फ्रूट्स खाया करें जिनमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो विटामिंस होते हैं, तो ये आपकी जो सारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी। सो गाइस नंबर थर्ड फूड इज ओटमील। ओटमील यानी मैं आपको बताऊंगा सबसे बेहतर से बेहतर जो चीज़ है प्रोटीन के लिए जो आप खा सकते हैं वो है ओटमील, इसलिए कि बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो अपनी बॉडी पे वर्क करते हैं और यानी बहुत बॉडी बनाते हैं हाई लेवल पे, वो सुबह उठ के अपने ब्रेकफास्ट में जो है वो ओटमील इंटेक करते हैं, इसलिए कि ओटमील में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है और बहुत ज़्यादा यानी वाइटमिन्स हैं, जैसे कि वाइटमिन ए है, वाइटमिन बी है, वाइटमिन सी। जब आप ओटमील को अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा हेल्दी रहेगी, ज़्यादा एक्टिव रहेगी, इसलिए कि आपकी बॉडी को जो यानी पर डे के हिसाब से जो प्रोटीन चाहिए वो बहुत सारा यानी ओटमील से मिल जाएगा। सो द नंबर फोर्थ फूड इज फिश। फिश भी बहुत अच्छा एक सोर्स है प्रोटीन का, इसलिए कि बहुत सारे विटामिंस भी होते हैं, बहुत सारा प्रोटीन भी होता है। तो जब आप अपनी डाइट में फिश को ऐड करेंगे तो आप ज़्यादा सारी बॉडी वो ज़्यादा अच्छा वर्क करने लगेगी, आपकी जो आप बेटर फील करेंगे, आप हेल्दी फील करेंगे और आप सारा दिन जो है आप एनर्जेटिक फील करेंगे। और फिश की एक ख़ास बात है उसमें जो ओमेगा 3 एसिड्स होते हैं और ओमेगा 4 एसिड्स होते हैं, उससे क्या होता है कि वो ओमेगा 3 एसिड्स और ओमेगा 4 एसिड्स जो हैं वो हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा यानी ज़रूरी होते हैं। एंड नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट फूड इज स्पेनिश। स्पेनिश को हम पालक भी बोलते हैं, पालक को आप कुक करके भी खा सकते हैं और उसका फ्रेश जूस बना के भी पी सकते हैं, इसलिए कि इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। मैं खुद अपने डेली बेसिस पे जो है पालक का जो जूस बना के पीता हूँ और इसमें बहुत सारे यानी विटामिन्स होते हैं, मेनली जो है विटामिन्स में आपको आयरन होता है, कैल्शियम भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है और कैल्शियम जब आप कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो बोन्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं, ज़्यादा हेल्दी रहती हैं, हमारे जो टीथ हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं,
तो स्पेनिश को आप इजीली अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, ये थे टॉप 5 प्रोटीन फूड्स जो इजीली आपके घर पे अवेलेबल होंगे, और अगर नहीं तो आप इजीली बाहर से बाय कर सकते हैं। ये 5 फूड्स जो हैं जो मैंने आपको बताए हैं प्रोटीन फूड्स के, और अगर ये 5वां ही आप अपनी डाइट में आज से ही ऐड करना स्टार्ट कर देंगे तो आप यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you in the next video. Allah Hafiz. Peace. Please subscribe my channel and don't forget to click the bell icon for more videos.